ये जो ऑनलाइन पीएलआर करवाया जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाता है, ये कितना असरदार है कंपेयर टू ऑफलाइन पीएलआर, और हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, आजकल YouTube पे मैं देख रहा था कि काफ़ी संख्या में ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कहा जा रहा है कि घर बैठे आप पास्ट लाइफ देखें, अपना पिछले जन्म को घर बैठे देख लें। YouTube पे ऐसे सजेशंस वाले वीडियोस हैं जिसके जरिए ये लोगों को कहा गया है, दावा किया गया है कि वो लोग अपना पिछला जीवन देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो कितने सही हैं कितने गलत हैं, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि PLR जैसी चीज़, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी चीज़ को अगर आप ऑफलाइन मोड में करें तो ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अब हम वन टू वन जब एक दूसरे के कांटेक्ट होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप लेट जाएं और ऑडियो लगा लें और शुरू हो जाएं और आप पहुंच जाएं, ये नहीं है मामला। जब हम किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जब कोई सुझाव देते हैं या कोई हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आता है, तो रिग्रेशन के पहले हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिन्हें हमें लगता है कि उनको नियंत्रित ढंग से कंट्रोल्ड वे में उनको फिर रिग्रेशन में ले जाने की ज़रूरत होती है उसके जरिए। अब रहा सवाल, जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं अपने घर में बैठ के लेट के, तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो देखा होगा या वो जो देख पाते होंगे वो कितना सही कितना गलत होता होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम किसी के सामने होते हैं, चाहे वो मेंटोर हो या कोई और भी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है जो आपको सजेशन देकर पास्ट लाइफ में ले जा सकता है अगर वो जानता है, पर मैं ये कहूँगा ज़रूर कि जब एक व्यक्ति उपस्थित है, और ख़ासकर ऐसा व्यक्ति जो ध्यान को जानता है, जो ध्यान को नहीं जानता लेकिन अगर वो साइकोलॉजी जानता है, वो हिप्नोथेरेपी जानता है, फिर भी मुझे लगता है कि तरह अगर वो ध्यान को जानता है तो वो ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सही तरीके से लोगों को गाइड कर सकता है रिग्रेशन के दौरान। तो पहली शर्त तो आप, अगर आप ऑनलाइन रिग्रेशन करना चाहते हैं, मेरा सुझाव है, मेरा अपना मत है ये, मैं ये कहूँगा कि आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये अगर हिप्नोथेरेपी के दौरान जैसे लोग जो है सुझाव को ग्रहण कर लेते हैं, इसी तरह का जब आप रिग्रेशन में जाते हैं तो उस दौरान भी आप आसपास से कोई सुझाव आ रहा है या जिसने भी ये वीडियो डाला है उसके सुझाव, किस तरह के सुझाव हैं, किस तरह के कमेंट्स हैं, ये आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या वो कितने सही हैं। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग ध्यान करते हैं, जो ध्यान में डूबते हैं, जो ध्यान को समझते हैं, उनके सोचने का उनके देखने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आप सिर्फ आप एक थेरेपिस्ट की तरह अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं और अगर आप ध्यान में नहीं जाते हैं तो आपके सोचने के ढंग में थोड़ा फ़र्क होगा, आपके करवाने के ढंग में थोड़ा फ़र्क होगा। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन करने के बजाय सबसे पहले तो ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए जो लोग ध्यान के बारे में जानकारी रखते हैं। और बहुत सारे देश के अंदर ऐसे आश्रम हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ हैं जहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप अपने घर के आसपास ऐसे जगहों को तलाशें जहाँ पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे ध्यान वगैरह के बारे में भी बात होती है, तो वहाँ पर अगर ये सब हो रहा है तो वहाँ जाके कर ले वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय घर में बैठ के सुझाव लेने के और फिर उसके बाद आप ऑफलाइन हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आया और आप फिर कहीं किसी स्टेट पे हैं, डीप स्टेट पे हैं, फिर आप वापस लौटेंगे, लौट तो जाएंगे लेकिन ये अच्छा नहीं है कि आप इस तरह से उसको करें। या तो फिर आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपका इंटरनेट कटे ही ना, आपके पास अल्टरनेट व्यवस्था हो कि एक किसी टेलीफोन कंपनी का सिग्नल अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा वाईफाई तुरंत रेडी हो आपके पास, कि वो सिग्नल इसका ब्रेक हो तो उसका सिग्नल पकड़ ले। अगर आपके पास इस तरह के इंतज़ाम हैं कि इंटरनेट को आप ब्रेक नहीं होने देंगे तो एक बार आप करें, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन कुछ इस तरह के रिग्रेशन वगैरह के प्रयोग करें,
ठीक है, जो लोग करते होंगे और जो लोग करवाते होंगे उनके पास कोई तकनीक होगी जिसके बारे में शायद, हो सकता है, मैं नहीं समझता उनके बारे में, लेकिन ये मेरी राय है कि ऑनलाइन हमें नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन रिग्रेशन करने से एक और मैं जो महसूस करता हूँ ख़तरा ये है कि जब आप बिना किसी समस्या को बताए हुए, बिना किसी मुद्दे को लिए हुए, जब आप ऐसे ही जब चले जाते हैं तो आप अपनी अपने किसी समाधान की ओर नहीं जाते हैं। आप बस जाते हैं और पता नहीं वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है, दिखता है वो क्या दिखता है, कुछ सही भी हो सकता है लेकिन वो उसके बारे में कुछ पक्का नहीं है। लेकिन जब आप अपनी समस्या का आप बताते हैं, जब आप किसी रिग्रेशन करने वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ये समस्या है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी इन बातों का जिक्र करता रहा हूं। मान लीजिए किसी को अपने संबंधों में कोई तनाव है, कोई कारण है, कोई खिंचाव है, किसी तरह की कोई बात है, दो लोगों के बीच का संबंध, अगर वो इस सवाल को लेके जाता है कि ये संबंध आज ऐसा क्यों है, तो ज़रूर उसको उस रिग्रेशन के दौरान उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। रैंडमली आप जाते हैं तो आप कहीं कुछ खास पहुंचते नहीं, कुछ हासिल नहीं होता, और अगर कहीं पर कुछ गलत है तो उसका असर होने का खतरा सदा रहेगा। तो मेरी तो सलाह है कि आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि घर में बैठे हुए हम ऑनलाइन वो कुछ भी यूट्यूब पे जो चला आ रहा है उसको हम डाल लें और उसके बाद रिग्रेशन में उतर जाएं। उससे अच्छा है कि आप ध्यान कर लें, रोज़ ध्यान करके भी PLR जैसी एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है। आप ध्यान करते रहें, ध्यान करते 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 एक समय आएगा जब आप अपने पिछले जन्मों में जाने के लिए योग्यता हासिल कर लेंगे, आप कर सकेंगे। जो लोग मेडिटेशन में गहरे जाते हैं, जो लोग मेडिटेशन को लंबे समय से जानते हैं, करते हैं, उनको पता है कि ये कैसे होगा, वो टेक्निक है उसकी। तो ध्यान के जरिए भी आप मेडिटेशन करते हुए भी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, तो वो एक तरीका हुआ, एक बात हुई। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए किसी व्यक्ति के सामने ही जाएं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन करेंगे आपको कुछ नहीं पता कि किस तरह के सलाह आ रहे हैं, वो शब्दों का चयन कैसा कर रहा है। देखिए शब्द चयन भी बहुत मायने रखते हैं जब आप, और हो सकता है कि आप गहरे हिप्नोसिस में जाएं और वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जो शायद उचित ना हो, तो फिर उसका अगर कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो उसका खतरा सदा बना रहेगा। फिर मान लीजिए आप जिस स्टेट पे हैं वहाँ पर अगर आपका नेट का कनेक्शन कट गया या ना भी कटा और कमरे में कोई आता है और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ बातचीत हो रही है, उन बातचीत का क्या असर होगा आपके ऊपर ये कहना मुश्किल है। किस तरह की चीज़ें आपके आसपास एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ का आपके गहरे मन के अंदर क्या असर होगा ये कहना मुश्किल है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा कोई खेल नहीं है कि हम जो है बस गाना जैसे सुनते हैं कि ऑन किया और बस नाचने लगे, गाना सुन लिया और गाना को एक साथ गा भी लिया उसके साथ, वो ऐसा नहीं है मामला। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो आप बहुत डीप लेवल पे जाते हैं, बहुत गहरा आपके अंदर सबकॉन्शियस में ये प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे इसको हल्के फुल्के ढंग से लेते हुए कभी भी कहीं भी ये करना कम से कम मैं उचित नहीं मानता हूँ। करते होंगे लोग और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप करते हो तो ठीक है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरी सलाह है मेरी कि कभी भी ऐसे प्रयोग करने के बजाय बहुत अच्छा होगा आप किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क कर लें, आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे, और अगर वो ध्यान करने वाले लोग हैं तो बहुत अच्छा, अगर वो किसी आश्रम के अंदर होता है तो बहुत अच्छा, किसी स्पिरिचुअल सोसाइटी के अंदर होता है तो बहुत अच्छा। कोशिश मैं तो ये भी कहूँगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का मन हो तो हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिनका ध्यान से कोई नाता हो या अध्यात्म से जिनका रिश्ता हो। अभी ऑनलाइन इसके बारे में जब बात हुई है कि ऑनलाइन रिग्रेशन करते, बहुत सारे मैंने सुना कि अभी सुना मैंने कि कोर्स भी कराए जा रहे हैं ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन कोर्स पता नहीं, मैं फिर वही कहूँगा कि वो कराते होंगे, उनके पास कोई टेक्निक होगी, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऑनलाइन कोर्स कैसे हो सकता है इसका।
ये चीज़ें तो प्रयोग करने की हैं। आप मेरे सामने आए, मेरे सामने लेटें, मैं आपके ऊपर प्रयोग करूं, फिर आप मेरे ऊपर प्रयोग करें, इस तरह से हम दोनों सीखेंगे। लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन में मामला पूरा एक तरफा रहता है, वन वे मामला है। वो आपको बताएं, आप सुने, सलाह ले लें, समझ लें, और उसके बाद वो कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको देखने वाला कौन है, आपको गाइड कौन करेगा, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा, भैया आप दो पैसे बचाने के चक्कर में अपने अपने मन जैसे संवेदनशील जगह को, खास करके आपके अवचेतन मन को, जो बहुत ही संवेदनशील होता है और बहुत निर्दोष जगह है, वो वहाँ पर आप अगर इधर उधर की चीज़ डाल दिए, कुछ ऐसी बातें हो जाए, भगवान ना करे ऐसी चीज़ें हो, लेकिन अगर हो गया तो उसका नुकसान आपको होता है, आपको पता नहीं चलता। फिर गहरे अवचेतन में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन वो धीरे 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 वो आगे बढ़ के कुछ चीज़ों में वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम भी इसी तरह से काम करते हैं। हम एक चीज़ को देखते हैं, अगर हम बचपन में हमने कोई चीज़ देखी और वो चीज़ ठीक है दोबारा नहीं हुई, लेकिन उसने हमारे अंदर जगह बनाई, हमें समझ में नहीं आता, और पता लगता है कि 25 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र के बाद या 35 साल की उम्र के बाद कभी वो ट्रिगर कर गया, वो बात जो बचपन में आपने देखी थी वो ट्रिगर कर गया। तो ऐसी भी बातें होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उस समय जब वो घटना घटी थी या कुछ हुआ था, तब आपका अवचेतन उस समय खुल गया था और वो घटना उसके अंदर चली गई, प्रवेश कर गई, और उसके बाद फिर वो ट्रिगर, जब कभी ऐसा माहौल बनेगा इसके लायक इसी तरह की कोई बात होगी तो वो ट्रिगर कर जाएगा, फिर आप समस्या को अपने सामने देखेंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर करें, अच्छी बात है, मजे लीजिए, देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधानी के साथ कोशिश करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर आपको देखना ही है पिछला जीवन, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे देखना ही है अपना पिछला जीवन, तो खर्च करिए ना। पिक्चर देखने के लिए खर्च करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो खर्च करते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं घूमने के लिए खर्च करते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप हरिद्वार चले जाएँ घूमने तो खर्च करते हैं, बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो खर्च करते हैं, आप अगर सिंगापुर जाना चाहते हैं तो खर्च करते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं तो खर्च करते हैं, तो पिछले जीवन में जाना चाहते हैं तो खर्च नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो सोचिए, ध्यान से सोचिए कि अमेरिका जाने पे खर्च कर लेते हैं, कहीं और जाने पे खर्च कर लेते हैं, छोटी छोटी पार्टियों में खर्च कर लेते हैं, और अगर ये पीएलआर में खर्च नहीं करना चाहते तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, और जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है उसको क्यों करते हो भैया, छोड़ दो। अगर आपको करना ही है, आपको लगता है कि ये आपकी प्रायोरिटी का विषय है, तो खर्च करिए, आपके आसपास जाइए, जो फीस होगी वो फीस दीजिए और सामने बैठ के करें, ज़्यादा अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन करा रहे हैं उन्हीं से मिल लीजिए, उन्हीं के पास चले जाइए, सामने बैठ के कर लीजिए। तो ये इसका, और मैं ये भी कहूँगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर वो ध्यान करने वाले लोग हैं तब तो बात बहुत अच्छी है, उनको फ़ायदा तो होगा, पर अगर जो लोग ध्यान नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो करते हैं और 3-4-5 बार जरूर करना चाहिए। एक बार में बात नहीं बनती, ठीक है, एक बार में आप अपनी जो एक अंदर रहता है क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है, कौतूहल रहता है कि यार क्या होता है, ज़रा जाके देखें मैं क्या था, मैं रावण था कि राम था, ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, लेकिन उससे बहुत अगर आप 4-5 बार करते हैं तो आप जीवन के खेल को समझ जाएंगे। और फिर जो आपने सुन रखा है पहले से कि जगत एक माया है, माया से ज़्यादा कुछ नहीं, सपना है, तो ये सपना है, ये सच में आपको पता चल जाता है ना, जीवन बहुत हल्का हो जाता है, बड़ा आनंद आता है फिर। और जब एक बार आप 4-5 बार जाके इसको ठीक से अच्छी तरह से महसूस कर लेते हैं पिछले जीवनों को देखकर, तो सच में फिर आप इस तरह से जीते हैं मानो जीवन एक सपना है और आप इसका मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी सलाह है, जो भाई ऑनलाइन करना चाहते हैं ज़रूर करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सही है, पर मेरी सलाह है, आपको जमता है तो मानिए, आपको नहीं जमता कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन करते रहिए, पर जो लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं
वो लोग कम से कम भैया ढूंढ लें ऐसे लोगों को, अपने आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना है, ऑनलाइन इस तरह के कोर्स जो खासकर सीधे मन से संबंधित हैं और गहरे तलों पे जाते हैं, उसको करने से थोड़ा सा अच्छा होगा। आप उन्हीं से सीखें जिनसे, जिनका YouTube पे आप वीडियो देख रहे हैं, पर उनके पास जाके उनसे मिल के कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।